सबसे पहले तो मैं बहुत दुख के साथ शहीद धीरेंद्र सिंह यादव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शहीद के परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और शासन प्रशासन तक तो कोई इनको ऐसा कुछ अनुदान अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं SDM से बात किया था सुबह कि जो भी प्रक्रियाएं होगी उसे मुझे अवगत कराइएगा, लेकिन अब तक नहीं अवगत कराए। सर यहाँ सारे लोग जानते हैं, पूरा जनपद जान गया कि एक शहीद का पार्थिव शरीर आ रहा है जी, लेकिन हमारे देखने से यह महसूस हो रहा है सिर्फ एक दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सारे दल के लोगों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यहाँ आना तो सभी को चाहिए और यहाँ दल की बात नहीं है, यहाँ एक शहीद की बात है, आना सबको चाहिए। सर शहीद को लोग शहीद ये राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं इस पर? नहीं, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और मैं भी राजनीति से जोड़कर नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मैं विधायक हूँ यहाँ का, मेरा कर्तव्य है, इस वजह से मैं आया हूँ। आपसे सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा देख लें कि एक दल को छोड़कर मैं पर्सनली कई माननीयों को टेलीफोन करके बताया और किसी की उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित नहीं हो पाई, इसका कारण क्या है आप बताइए, आप क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। अभी समय है, हो सकता है लोग ये इंतज़ार कर रहे हों कि डेड पार्टी है, जब आ जाए तब हम लोग चलें। सर हमारा एक सवाल है आपसे कि मैं मुख्यमंत्री जी का भी और सभी जितने भी बड़े बड़े दल के नेता हैं उनके मैं ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, सुबह से भी चेक कर रहा हूं, अभी तक कोई प्रक्रिया जो है कि शहीदों के बारे में नहीं आई है। देखिए शहीद के बारे में सरकार को पता चल गया होगा और सरकार को चाहिए भी कि वह अपना प्रतिनिधि भेजे यहाँ, लेकिन भाई वह जगह तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार भेदभाव रवैया अपनाई हुई है, हो सकता है इस वजह से यहाँ लोग न आए। सर जिस बात को हम लोग खुले तौर पर कह रहे हैं आप दबी जुबान से क्यों कह रहे हैं उसको? नहीं, मैं दबी जुबान से नहीं कह रहा हूँ, पूरी जानकारी मुझे नहीं है। अब अंत तक सुनिए, जिसके दिमाग में जो बात है उस जो दिमाग नहीं सुनिए, अंत तक आप देखिए कि वो सरकार के तरफ से कोई आता है या नहीं आता है। अभी हम क्यों कह दें कि नहीं आए।